प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, जिनका गुरु ना हो वे क्या करें? माँ, भगवान नाम लें, जो नाम अच्छा लगे वह पुकारें। यदि भगवान पर लक्ष्य हो, उल्टा नाम भी जपे तो भगवान के पास पहुंच जाता है। जैसे तुमको दूसरे नाम से पुकारने में तुम बोलोगे नहीं, लेकिन भगवत राज्य में यह बात नहीं है। तुम भगवान का नाम उल्टा सीधा जैसा हो पुकारो, भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान को पुकारने से वे प्रकट हो जाएंगे। यह शरीर तो कहता है दरवाजा तोड़कर अंदर जाओ या दरवाजे के सामने पड़े रहो, उनके ऊपर निर्भर रहो। बिना प्रकट हुए उनसे रहा नहीं जाएगा। जैसे तैसे भगवान से ही प्रीति जोड़ो, सत्संग करो। प्रश्न, मन का स्वभाव ही यदि चंचल है तो वह अपना स्वभाव कैसे बदलेगा? जैसे कोयले को पानी से चाहे कितना ही धो, फिर भी वह अपना रंग कभी नहीं छोड़ता। माँ, कोयले का मैला छूटे कब? जब वह अग्नि में प्रवेश करे तब। मन जब अमन होता है तब उसकी चंचलता छूट जाती है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। यह शरीर तो कहता है कि मन छोटे बच्चे के सदृश है। जैसे बच्चे को अच्छे बुरे का विचार नहीं है, चंदन मैले का ज्ञान नहीं है और बड़े छोटे का ज्ञान नहीं है, इसलिए मन को बच्चा कहते हैं। जब मन रूपी बच्चे को आत्मा रूपी मां मिलेगी तब शांति होगी। भगवान की प्राप्ति के लिए विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने अपने इष्ट के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको लेकर रात दिन तन्मय रहना चाहिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे मन बदल जाएगा। उसको अनुभव होगा कि भगवान हमसे अलग नहीं है, इसलिए कहीं भी विरोध नहीं करना। जो व्यक्ति जहां खड़ा होकर जो कुछ देखता है वह ठीक ही देखता है। जैसा देखता है वैसा ही तो कहेगा, इसलिए विरोध करने की कोई बात नहीं है। यदि कोई विरोध करे तो यह शरीर तो कहेगा कि हाँ, जो विरोध कर रहा है वहां से वह वैसा ही देखता है। खराब दृष्टि खराब है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जहां यह दृष्टि सृष्टि की बात नहीं है वहां भगवान ही है। रावण का क्या हुआ? श्री रामचंद्र जी के हाथ से उसकी अंतिम क्रिया हुई, वह विरोध भाव से हुई, फिर भी अंत में भगवत गति हुई। रूप में, अरूप में, नाम में और अनाम में सर्वत्र तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। प्रश्न, जब तक हो सके नाम जपने का क्या अर्थ है? माँ, जब तक हो सके नाम जपने का मतलब है उसका संग करना। जिस प्रकार इस संसार के मित्रों का साथ करने पर वह अपनी सारी बातें तुम्हारे सामने प्रकट कर देता है, उसी प्रकार परम बंधु का साथ करने पर वे अपना तत्व तुम्हारे सामने प्रकट कर देंगे। समुद्र की लहरों को देखकर क्या तुम नहाना रोक देते हो? उसी लहर में उछलकर अपना स्नान समाप्त करते हो। इसी प्रकार सांसारिक झंझटों तथा बाधाओं के बीच बराबर उन्हें स्मरण करो, जप करते रहने का प्रयत्न करो। प्रश्न, माँ जप में मन नहीं लगता? माँ, उत्ताल तरंग लवणाक्त जल इसी के बीच समुद्र स्नान करते हुए तृप्त होना पड़ता है। प्रश्न, माँ साधना के मार्ग पर इतने दुख क्यों मिलते हैं? माँ, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर फोड़ा चीर कर विषाक्त वस्तु निकाल बाहर कर रोग निरामय करते हैं, भगवान भी दुख देकर धो पोंछ कर गोद में खींच लेते हैं। भगवान समस्त दोष संशोधन कर देते हैं।
कहते हैं तुम अपनी समस्त मलिनता मुझे अर्पित कर दो, इसके बदले अमृत ग्रहण करो। इस तरह की दुकानदारी वे करते हैं, वे असली व्यापारी हैं। समय ना होने पर नहीं होता यह ठीक है, पर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। सभी मुहूर्त में वे प्रकट हो सकते हैं, पता नहीं कब किसका मुहूर्त आ जाए। भक्त को वे दर्द देकर दुख देते हैं अपने आग्रह और आकुलता को बढ़ाने के लिए। वे उसके दर्द की पूजा आंखों के आंसू ग्रहण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की।